हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम आपको एक बहुत एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ लोग दोस्तों इसको सल्सवेरिया ड्वार्फ बोलते हैं, कुछ लोग इसको जो है ना लोटस सल्सवेरिया बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं लकी प्लांट एयर प्यूरिफाइंग। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा प्लांट है ये छोटे से पॉट में काफ़ी दिन से चल रहा। आज दोस्तों हम आपको इसको रिपोर्टिंग के साथ साथ इसकी प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, एक प्लांट से हम कई प्लांट कैसे बनाए थे, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे पास दो साल का, तीन साल मान सकते हैं, तीन साल का ये हमारा प्लांट है, और ये देखिए पूरा रूट बॉन्ड हो गया है। रूट बॉन्ड से मेरा मतलब है कि ये जो है ना नीचे इसकी जड़ें जो है ना पूरी भर गई हैं, देख रहे हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये मार्केट से मैं पॉटर लाया हूँ, ये एक दो इस तरह के पॉटर है, जो जैसा इसका साइज है दोस्तों मैं उसी तरह से इसको आज ये रिपोर्टिंग एंड प्रपोजिशन दोनों को बताएंगे दोस्तों। बहुत देखिए कितना हेल्दी है, लेस ग्रीनिश है दोस्तों, इसकी देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ कैसे अंदर की साइड में देखो बैठी, इसीलिए इसको लोटस का रूप दे लेते हैं, ये लोटस जैसा देखने लगता है, तो इसीलिए इसको कुछ लोग जो है ना लोटस बोलने लगते हैं। दोस्तों ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट होता है, एक बार लगा दीजिए बस, ये पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता, अगर आपने पानी ज़्यादा दिया तो फिर ये दोस्तों आपका ख़राब हो जाएगा। आज हम आप दोस्तों आपको इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि फरवरी का महीना हो गया है, ज़्यादातर की जो है ना रिपोर्टिंग हम लोगों को करने पड़ेगी, अदरवाइज जो है ना फिर एक प्लांट ही आपका बना रहेगा। दोस्तों इसके बारे में जो है ना हमने पहले भी कई वीडियो डाल रखे हैं, और ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको धीरे से मैं निकालते हैं। इसकी पत्ती जो है ना दोस्तों क्लासी भी होती हैं, ये देखिए दोस्तों छोटी सी जड़ में ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत प्लांट, जरा सी जड़ में ये कितना अच्छा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको एक दूसरे प्लांट में लगाएंगे, ये दोस्तों ये मैं इसको अलग हटके इसको मैं तैयार करता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं इसकी मिट्टी को हटा देता हूँ, हटाने के बाद मैं इसको अलग अलग पार्ट में करके दिखाता हूँ। देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए 1 2 और इसके बाद दोस्तों ये जो मेन हमारा मदर प्लांट है वो ये रहा, ये छोटे छोटे देखिए ये शूट्स आ रहे हैं इसके, अभी मैं इसको नहीं कट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक है। अब हम एक नीचे इधर से भी दोस्तों आ रहा, आप देख सकते हैं कि ये कई इसमें से ये निकल के आ रहे हैं। मैंने दोस्तों इसकी ये मिट्टी पहले से ही तैयार कर रखी है, इसको मिट्टी जो है ना मैंने पहले से बना रखी है जिसमें ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं फ्यूवर्स। मैंने इसको पॉट लिया है, ये इसमें मैंने पहले से कुछ वो लगा रखे कलकर दोस्तों, मैं इसमें कुछ जो है ना इस तरह की चीज़ें जो बचड़ी की होती है कंस्ट्रक्शन की, वो मैं इसमें कुछ डालूंगा जिससे दोस्तों इसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़े थोड़े से इसको आपको भी दिखा रहा हूँ, और इसी को दोस्तों इसमें जो है ना हम लोग रिपोर्ट करेंगे, इसी को मैं रिपोर्ट करके अभी आपको दिखा दूँगा। ये देखिए दोस्तों पढ़ गए, इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, मिट्टी मैंने पहले से ही बनाई है, इसमें गर्मी कंपोज मिली हुई है, कोको की थोड़ी सी मिली हुई है, थोड़ा सा बॉन भी मिला हुआ है, और दोस्तों नीम की खली मिली हुई है। देखिए ये हम इसको बड़े प्यार से इसको भर लेंगे, छोटा गमला है, और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये इसको हम ऐसे इसको रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मिट्टी की रिफिलिंग करेंगे इस पर,
दोस्तों इतना प्यारा पौधा होता है, 24 घंटे हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। नासा से प्रूव है ये पौधा कि हमको ऑक्सीजन पूरा देता है। ये देखिए अभी क्या होगा, इसके फरवरी का महीना दोस्तों है। फरवरी के महीने में जो है ना ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन होता है, ज़्यादातर प्लांटों की दोस्तों रिपोर्टिंग की जाती है। इसको इस तरह से लगा के दोस्तों, और हमारे पास कुछ इस तरह के स्टोन होते हैं, हम इसको स्टोन को इस तरह से दोस्तों चारों तरफ से इसको हम कवर कर लेंगे, जिससे कभी भी डस्ट वगैरह होती है या और भी कोई चीज़ें जैसे गंदगी होती है तो इसको वो तैयार। अभी दोस्तों क्या है, कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फैल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मैं एक अनदर और भी प्लांट लेता हूँ, इसको भी देखो हम दिखाते हैं। अभी बहुत सुंदर, बहुत काफ़ी घना हो गया दोस्तों ये। मैं इसको भी हटाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसकी लीव्स जो है ना बहुत स्पंजी होती हैं, पानी को होल्ड किए रहती हैं। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर प्लांट है ये। देखिए दोस्तों ये देखिए छोटे से में कितना ज़्यादा ये घना हो गया है। दोस्तों कई नीचे जो है ना ये देखिए पत्तियाँ इसकी ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों देख रहे बड़े प्यार से हम इसको धीरे से इसको ये देखिए अलग कर लेते हैं। ये देखिए इसको अलग करके फिर हम इससे एक से कई पौधा बड़े आराम से हम इसमें से बना सकते हैं। कोशिश करेंगे कि पौधे की जड़ दोस्तों ख़राब ना हो पाए। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत। इसमें हम कोशिश करेंगे एक प्लांट और निकाल लें। ये देखिए अब बाकी हम कुछ इसमें अभी रखेंगे, जिससे ये बहुत नाजुक हैं, ये थोड़े से सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए दोस्तों मैं इनको अभी रखूँगा ये इस तरह से। अभी हम एक प्लांट अब प्लांटर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमने एक प्लांटर लिया है। इसको लेने के बाद कुछ हम इसमें जो है ना रेत के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो डालेंगे, जिससे हमारा ड्रेनेज अच्छा सिस्टम हो। छोटे छोटे पीसेस को डाल लेंगे। हमारा अभी भी पॉटिंग मिक्स तैयार है, मैं इसको इसमें पॉटिंग मिक्स थोड़ा सा मिलाऊंगा। ये मैं इसको पॉटिंग मिक्स मिलाऊंगा दोस्तों, और इसको देख रहे हैं हम इसको इसी में सेटल कर देंगे थोड़ा सा। ये दोस्तों ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमारा पॉट का जो है ना सेंटर बिल्कुल सीध में होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, देखने में ख़राब लगता है। इसको धीरे से प्यार से हम इसमें मिट्टी की रिफिलिंग करेंगे। रिफिल करने के बाद दोस्तों मैं इसके कोशिश करूंगा कि इसमें जो है ना जो एयर स्पेसेस हैं वो किसी तरह के नहीं रहने चाहिए। बहुत हार्डी प्लांट है। आप दोस्तों इसको घर में, टेबल पे, ऑफिस में, डार्क एरिया में, जहाँ पे आपकी मर्जी है आप वहाँ रखिए। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में एक बार इसमें आप वाटर डाल दीजिए और चलने दीजिए। जब तक इसकी ऊपर की लेयर 1 इंच 2 इंच जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए दोस्तों, तब तक आप इसमें वाटरिंग मत करें। क्योंकि आप अभी मैंने आपको दिखाई था कि कितना छोटे से पॉट में कितने बड़े बड़े ये डेवलप होगा, क्योंकि दोस्तों इसकी रूट काफ़ी छोटी होती है। व्यूअर्स ये देखिए इसी तरह से अभी मैंने काफ़ी रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी रखे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए सभी। अभी मैं दोस्तों इसको सबका सभी रिकॉर्ड करके आप कितने कितना सुंदर देखिए
देखिए व्यूअर्स, ये प्रोसेस जो है ना प्रोपोगेशन की, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सम्यक टेरेस गार्डन को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने की कोशिश करें। व्यूअर्स, ये टेक्निक होती है, इस टेक्निक से अगर इसको रिपोर्ट करोगे, आपका प्रोपोगेशन प्रोपोगेट करोगे, तो ये प्लांट आपका कभी ख़राब नहीं होगा। अगेन मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी का मैं धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद।